ये देख, रुक जाना बार। मार खिलाऊंगी तेरे। मैं काम कर रहा हूँ, आगे से लेफ्ट में खड़ी रख रहा हूँ गाड़ी। ठीक है उधर आना पर। Hey, what's up guys? मैं रणवीर। तो guys, welcome back to the new prank. ये prank का आइडिया मेरे पास मुश्किल से 10 मिनट पहले आया है, क्योंकि अंकिता को जाना था फॉर एवर 21। हम लोग कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी लेके निकले थे सो देट हम घर पे ले जा पाए। एंड अंकिता की बैग, मतलब टेक्निकली ये पर्स बैग जो भी अंकिता का बोलो, वो है गाड़ी में मेरे पास। तो मैं अंकिता के बैग को, इसकी फेवरेट बैग, मतलब सबको पता ही होगा कि जितनी बार जितने लोग अंकिता से मिले हैं या तो फिर वीडियोस में देखा होगा, तो अंकिता के पास सिर्फ ये बैग होती है जो इसकी सबसे मोस्ट फेवरेट बैग है, जिसको मैं करने वाला हूँ बर्बाद। कैसे वो तो आप देख लोगे, और वीडियो को एकदम मतलब टोटल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में एक ट्विस्ट है, उसके बाद भी एंड में एक और जबरदस्त वाला ट्विस्ट है। अंकिता को वीडियो का प्रीमियर देखते हुए पता चलेगा। तो अंकिता, अगर तू अभी फिलहाल देख रही है तो बेस्ट ऑफ लक। इंडिया लास्ट मंथ के गिव अवेज के अनाउंसमेंट वाले वीडियो तो आपने देख लिया होगा, एंड इस मंथ के भी गिव अवेज शुरू हो गए हैं, तो रूल्स डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाके फॉलो करो। एंड ब्लॉग चैनल को जाके सब्सक्राइब एंड बेल आइकन के साथ प्रेस करके रखना। एंड इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो। वीडियो को शेयर करना इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, बाकी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स को मिलेगा, अमेजिंग वाले शाउट आउट्स। अच्छा कमेंट करना मत भूलना। एंड अब चलते प्रैंक की तरफ। एक्चुअली मैं ना अभी प्रैंक के लिए नीचे उतर रहा था, पर मुझे सब्सक्राइबर मिल गया। एंड या उसके बोर्ड एग्जाम थी, पर काफी अच्छा लगता है जब तैयारी करते। मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ गाइस, वीडियोस हमारे हमेशा यहीं पर रहने वाले हैं, तो ज्यादा आप अपनी स्टडीज बिगाड़ के वीडियोस मत देखना। आप आराम से वीडियोस बाद में भी देख सकते हो, अपनी स्टडीज पे पहले फोकस करो, एग्जाम निपटा लो, उसके बाद सारे वीडियोस एक साथ देख लेना। तो मैं अंकिता का पर्स और सामान गाड़ी से बाहर निकाल लेता हूँ, ताकि गाड़ी बर्बाद ना हो, सिर्फ पर्स डिस्ट्रॉय करना है, वरना पता चला गाड़ी के अंदर में किया तो मेरे पे ही प्रैंक हो गया। चलो अंकिता के पर्स में क्या क्या है। मेकअप पाउच, दूसरा मेकअप पाउच, डायरी, मतलब काफी सारी चीजें अंकिता के पास। हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे दिखाता हूँ। टोमेटो प्यूरी है जो कि बहुत यक रहेगा, फेंटा है, चवाना है और कोक है। टोमेटो प्यूरी से शुरुआत करते हैं, उसका रीजन मैं आपको बताऊँ क्यों। सबसे पहले इसको इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अंदर जितना भी सामान है ना सब स्टिकी हो जाएगा, चवाना डालूंगा तो सारा प्योरी के ऊपर चिपक जाएगा। मैं कोक या फेंटा दोनों में से एक चीज लास्ट में रखूंगा, जब अंकिता आएगी अंकिता के मुंह पे, मतलब अंकिता के सामने डालूंगा ताकि उसके एग्जैक्टली रिएक्शन मिले। तो ये गई टोमेटो प्यूरी। तो नेक्स्ट ये हमारा चवाना गया इसके पर्स के अंदर, भाई बाहर बॉल गिर गया। यक, अब हम नेक्स्ट डालेंगे फैंटा। बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही है। अब लास्ट गाइस हमारे पास बची है कोक, इसके लिए वेट करते हैं अंकिता के आने। अरे बाप रे, गाड़ी की क्या हालत हुई है भाई, पर्स के अंदर से निकल रहा है सब, छी यक। एनीवे चलो वेट करते हैं। मेरी गाड़ी की ना बैंड बज गई, मैं कोक लेके वेट कर रहा हूँ। अंकिता का कॉल आ चुका है कि गाड़ी कहाँ पे खड़ी रखी है, तो मैंने उसको बोल दिया है, तो आई थिंक वो एक दो मिनट के अंदर आ जाएगी। तो लेट्स बी प्रिपेयर्ड विद एंगल, वेट कर रहे हैं। आ गई अंकिता। ये कुछ नहीं, मैंने बैग के अंदर अच्छे से देख पहले। जल्दी चेक कर बैग। इधर देखना। ये क्या किया? इसके अंदर मैं बताऊँ क्या क्या है। टोमेटो प्यूरी है, इसके अंदर कोक है, चवाना है, फेंटा है। मेरे को नहीं पता था तूने अंदर क्या क्या रखा था, मैं कुछ नहीं पता तूने अंदर क्या क्या रखा था, मेरे को इतना पता था कि मुझे अंदर क्या डालना है। अरे ये भी डाल देना फॉरएवर का। यहाँ पे शॉपिंग करने गई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये क्या कर रही है? तेरे को मारा है मुझे, इसके लिए आप पूरे सिग्नल पे आसपास सब मुझे देख रहे हैं, ये बेवकूफी हरकत करने के लिए तेरे को। अच्छी चीज है ना यार, ये अंदर। अरे अंदर नहीं डाला इसके मैंने, शिट, रुक इसके अंदर डाल देता हूँ। क्या मतलब था तेरे ये करने का? इन शॉर्ट ये बैग फेंक दे। गाइस दिखाओ क्या हालत है इस बैग की, देखो। एक सेकंड, मत कर, ये लड़का इतना घटिया है, इतना घटिया। अंकिता है ना, अंकिता भी ध्यान रखे इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी पब्लिक इसको घूर रही है। एक सेकंड देना इसको, ये देख, ये देख,
ये फेंक दो ना कहीं इसके पर्स के अंदर, अरे दिखाने तो दे एक सेकेंड, कहीं इसके पर्स के अंदर की हालत देखो भाई। कहाँ जा रही है भाई? जा कहाँ रही है? रुक अंकिता खड़ी रह, देखे अंकिता खड़ी रहे अंकिता। अरे यार अब इसको मनाना पड़ेगा, हद है यार। तो फिलहाल प्लास्टिक की थैली के अंदर मैंने डाल दिया ये, गाड़ी लेके फटाफट जाता हूँ गाइस। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, आगे भाग गई। पर यस इसका मतलब ये नहीं कि प्रैंक खत्म हो गया। आपको पता है दो दो ट्विस्ट है अभी भी। एक ट्विस्ट अभी रिवील करूंगा अंकिता को मनाने के लिए, दूसरा ट्विस्ट मैं आपको एकदम एकदम एंड में बताऊंगा जब अंकिता को भी पता चलेगा, क्योंकि अंकिता को भी मैं आज अभी नहीं बताने वाला हूँ कि ट्विस्ट क्या है, वो आप लोगों के साथ ही अंकिता को वीडियो को देखते हैं, देखते पता चलेगा। तो लेट्स गो फॉर इट। वो देखो जा रही है। रुक जा अंकिता प्लीज, रुक जा। ट्रैफिक हो रहा है तो रुक जा ना, पर सब लोगों को ऐसा लगेगा मैं छेड़ रहा हूँ तेरे को। तो मैं मार खिलाऊंगी तेरे को। मेरे को आगे जाना पड़ रहा है, सब गुस्सा हो रहे। प्लीज गाड़ी में बैठ जाएगी, प्लीज बैठ के बात कर ले। तेरी बैग वहीं पे फेंक के आ गया हूँ मैं। अच्छा है, तेरा सामान नहीं था ना उसमें? जब इतना गुस्सा आ रहा है ना, कौन सबसे कहो 10 लोग को बोलो कि लड़का छेड़ रहा है मुझे, इसको चप्पले चप्पल मार पड़ा हूँ, चार रस्ते में घर को मार पड़ा हूँ। अंकिता सब घूर रहे, बैठ जा गाड़ी में प्लीज, गाड़ी में बैठ बात करते हैं। नहीं बैठना ही नहीं है मेरे को। गाड़ी में बाद में बात करता हूँ ना, आगे जाके बात करते बस, फिर उतर जाना, आगे उतर के बात करते, चल नीचे उतर के बात करेंगे, दो मिनट बैठ जा आगे तक सिर्फ। ओए सॉरी बैठ। ये तेरा मजाक है, हर एक जगह हद होती है यार। गाड़ी के बाहर तेरा वॉल्यूम डाउन रहता है गाड़ी में। गाड़ी पर गाड़ी के अंदर आते तेरा वॉल्यूम कैसे ऊपर हो जाता है? फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं, टूट गया था मेरा आसपास, इसके लिए मेरी जिंदगी में शांति थी। कब? अभी। मैं तो तेरे पीछे पीछे ही था। रुक पहले खड़ी रखने दे, फिर बात करते ठीक है। क्यों किया ये तूने बता, तेरा प्रैंक था? मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था, तेरा पर्स बर्बाद किया था, तो प्रैंक ही हुआ ना, और क्या होगा। अब देख मेरे को नहीं पता क्यों, बट बाय चांस जहाँ पे भी जो भी प्रैंक कर रहा हूँ तेरा मेकअप उसमें बीच में आ जाता, मैं क्या करूँ? और इस बार मैंने बोला है मैं नहीं दिलाएगा, लास्ट में बहुत खर्चा हो गया था। तो मैंने नहीं बोला ऐसा करने के लिए, मेरी बैग बर्बाद हो गई उसका क्या? नीचे उतर, नीचे उतर के बात करते हैं। मेरे को सिर्फ घर जाना है, मैं अपनी बड़ोड़ा निकल रही हूं। हां ठीक है, नीचे उतर के बात कर। शिट यार गाड़ी की हालत तो देखो अंकिता ने क्या की है। देखो अभी तेरी गाड़ी की पड़ी है, मेरे पर्स की नहीं पड़ी। तेरे पास फेंक दिया मैंने, अंदर वो सामान नहीं था ना, ये पूछ रहा हूँ। मेकअप था मेरा, वो तो निकाल के तूने ले तो लिया। मेरी इयररिंग्स भी अंदर ले तो लिया सब, तूने सब लिया नहीं? नहीं वो वापिस जाके लेना पड़ा, मैं डस्टबिन में डाल दिया वहाँ पे। तो तूने ये बोलने के लिए मुझे बाहर निकाला है, इधर लाया है कि ये पर्स खो गया? सीरियसली हीरे दे तेरे में मुझे कभी वहीं से बोल दिया था मैंने, उसको धोखा के मैं यूज कर सकती थी कि नहीं कर सकती थी? इतना गंदा कौन धोखा? तो क्या हुआ? एक सेकंड रुक जा, मेरे पास पहले कुछ है, रुक जा, गुस्सा मत हो, तेरा पर्स दिख के नहीं खोल रही। अगर कुछ किया है तूने वहाँ पे, सब लोग देख रहे हैं, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँगी लड़का मुझे जबरदस्ती कर रहा है। ये ला ये तेरे लिए। ये तेरी वुमेन्स डे की गिफ्ट। हाँ मैं सीरियस हूँ। ये सीरियस हूँ, तेरे को डायर की मैंने बैग गिफ्ट दी है। ये लोगों को नहीं पता वो ऑनलाइन देख लो ना। अच्छा गाइस जिन लोगों को आइडिया नहीं है क्या कर रही है, बैठ गई होगी ये हर बात पे बैठ जाती है, पहले गाड़ी बंद कर रहा था, बहुत गंदा हो गया। क्यों बैठ गई अब? क्यों बाद में तो नीचे क्यों बैठ जाती है? अच्छा चल, लोगों को नहीं पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता उनको अंदाजे से बता दे कि ये बैग डायर की कितने की आती है, बोलना क्या हुआ, रो क्यों रही है? अच्छा एक और सरप्राइज दूं, देखो तेरे वो वाली बैग का सारा सामान गाड़ी में पड़ा है, वो देख पहली है ना वो वाइट वाली, उसके अंदर सच में इतनी ज्यादा महंगी बैग ली, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। रहने यार मैं मान जाती हूँ तेरे हर एक चीज से, 2000 की भी बैग से मैं मान जाती है, 3 लाख की बैग कौन देता है?
मुंबई से स्पेशल है कितना अच्छा लग रहा है। I love you. Love you too. आप लोग तो ये वीडियो बाद में देख रहे होंगे पर ये वुमेन्स डे के लिए मैंने अंकिता को स्पेशल गिफ्ट दी है। क्रिश्चियन डायर की बैग है वैसे मुझे बहुत ज़्यादा और बैग है अभी भी बोल रहा हूँ ये चाहे एक्सपेंसिव है मैंने दी अंकिता को गिफ्ट लेकिन ये वेस्ट ऑफ मनी है ठीक है। ये है बैग ही कौन बोलेगा ये लाखों की बैग ये लाखों की बैग है बोलेगा कोई भगवान मेरे मोबाइल गिर जाता अभी। एनीवेज गाइस ये था आज का वीडियो एंड ये था अंकिता का प्रैंक प्लस सरप्राइज एंड इट वाज अ ह्यूज सरप्राइज आई नो दैट मैं कॉफी पी रही हूं मेरे बॉडी कांप रही है मुझे कुछ हो रहा है मुझे रोना है मुझे हंसना है मुझे चिल्लाना मेरे को ये भी पता है अंकिता अंकिता ने ये बैग ज्यादा यूज नहीं करेगी कि उसको लगी को मेरे को इतनी महंगी यूज नहीं करने की इसको रखने की बट आई थिंक इसको यूज करनी चाहिए बैग और अंदर सामान 50,000 का भी नहीं है चलो कैसे सब मैं ये डियोर की बैग लगा करके 5,500 की एक्टिवा पे जा रही हूं। एनीवेज गाइस आप लोगों को पता है गिव अवेज चल रहे हैं तो उसकी रूल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जाके फॉलो करो आपको मिल सकता है अमेजिंग अमेजिंग गिव अवेज एंड बाकी तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना हिट द बेल आइकन लाइक लाइक द वीडियो एंड ऊपर वीडियो को शेयर करना इंपॉर्टेंट है इंस्टाग्राम को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है मैं उसको संभाल लेता हूं बाकी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स को मिलेंगे अच्छे अच्छे अमेजिंग शाउट आउट अच्छे कमेंट करना मत भूलना घर पे पड़ा पर लॉस हो गए बाय। तो अंकिता ट्विस्ट ये है तेरे पास जो क्रिश्चियन डायर की बैग है जो 3.5 लाख रुपए के आसपास की है वो एक्चुअली में फेक है फर्स्ट कॉपी है मैंने परचेस किया 2800 रुपए में। तो अगर तेरे को अब कुछ बोलना है मेरे को तो मुझे रिकॉर्ड करके भेज देना मैं आज के ब्लॉग में डाल दूंगा। गाइस आज का ब्लॉग रात को 8:30 बजे ब्लॉग चैनल पे। लॉट्स ऑफ लव।